Welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss previous year questions of paper 1, that is teaching aptitude. Let's begin with the first question. So, which one of the following is a scaled down teaching method? इनमें से हमने बताना है कौन सा teaching method जो है वो scaled down method है. So, answer for this is option number C, that is micro teaching. Micro teaching concept जो है वो हमें Stanford University ने दिया था. माइक्रो टीचिंग का मीनिंग क्या है? ये एक टीचर ट्रेनिंग सिचुएशन है फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स. इसका एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है प्लान से, देन इज टीच, देन इज फीडबैक और ऑब्जर्व, देन इज रीप्लान, देन रीटीच एंड लास्ट इज रीफीडबैक और रीऑब्जर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप. टीम टीचिंग क्या है? टीम टीचिंग इज इनोवेटिव अप्रोच टू टीच लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें क्या है, टू और मोर टीचर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कुछ भी प्लान एग्जीक्यूट कलेक्ट करने में, जिससे कि लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट्स के इनहांस होते हैं. इससे क्या होगा, जब टू और मोर टीचर्स जो हैं वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, टीम स्पिरिट होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेस्ट फैकल्टी शेयर्स कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे. सो इससे क्या होगा, टीम टीचिंग जो है वो इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज लाने में हमारी हेल्प करेगी. बिफोर डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल दैट यू कैन ज्वाइन Panacea Tutor फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट कॉमर्स एंड लाइफ साइंसेज ऑफ UGC नेट एंड JRF. For any query, you can call us or mail us at PanaceaTutor.com. Next question is, which of the following indicates evaluation? इनमें से हमने बताना है कि कौन हमें बता रहा है कि हम इसको evaluate कर रहे हैं. So, evaluation basically क्या है? Evaluation is an act of passing judgment. Evaluation क्या है? हमने judgment pass करनी है on the basis of standards set. So, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है राम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200. इसमें हम बता रहे हैं राम ने 45 मार्क्स स्कोर किए, सो हम इसका रिजल्ट जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं. सो दिस इज इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश. इस स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि मोहन के 38% मार्क्स है इंग्लिश में, सो मीन्स ये भी हमने इवैल्यूएट किया है रिजल्ट. नेक्स्ट इज श्याम गॉट फर्स्ट डिविजन इन फाइनल एग्जामिनेशन. श्याम की जो है वो फर्स्ट पोजिशन आई है उसके फाइनल एग्जाम में, सो मीन्स ये भी हमने इवेलुएट किया. सो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या इंडिकेट कर रही है, इवेलुएशन का कॉन्सेप्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी के सारी स्टेटमेंट्स जो है वो हमें इवेलुएशन का कॉन्सेप्ट बता रही हैं. नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल. ऐसी यूनिवर्सिटी जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स अपने चैनल के थ्रू देती है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन ए इज ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इज यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, ऑप्शन सी इज अनामालिया यूनिवर्सिटी एंड ऑप्शन डी इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज इग्नू. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इग्नू. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करती है. सो ये जो है सारे के सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स अपने चैनल के थ्रू टेलीकास्ट करती है. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसर्टेंस. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमें क्या बताता है? हम बात करें अगर इवैल्यूएशन की, तो ये वेरियस टाइप्स की होती है. उसके अंदर हम इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस या फिर फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेनली 4 टाइप्स की इवैल्यूएशन है. फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, देन इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, देन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड लास्ट वन इज सबमिटिव इवैल्यूएशन. सो बेसिकली प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमें नाम से पता लग रहा है, बिफोर द कोर्स जो हम देते हैं उसे कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है, मींस ये ऑनगोइंग होती है, जब हम कंटिन्यूअसली देते हैं उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हमें कॉजेज एंड रेमेडीज के बारे में बताती है कि क्या रेमेडियल एक्शन जो है वो हमें लेना चाहिए. एंड लास्ट इज सबमिटिव इवैल्यूएशन. इसके नाम में ही है कि सम अप करना, मींस एंड ऑफ द कोर्स ये इवैल्यूएशन होती है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग द यूज ऑफ टीचिंग एड्स. क्या पर्पस है कि हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स. टीचिंग एड्स वो मटीरियल है जो हम लेसन के टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यूज करते हैं. इट कैन बी एनी वीडियो, ऑडियो, चार्ट्स, पिक्चर्स एटसेट्रा. सो ये क्या करती हैं, इससे लर्निंग आउटकम्स जो है वो स्टूडेंट्स की इन्हांस होती हैं, बढ़ती हैं.
नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज, सबसे जरूरी क्वालिटी क्या है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है एक गुड टीचर बनने के लिए. सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर. कि टीचर को उसके सब्जेक्ट के बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. इट इज द मोस्ट असेंशियल क्वालिटी टू बिकम अ गुड टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से हमने चूज करना है करेक्ट कोड कौन सा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन डिलिमिटेड द नंबर ऑफ टास्क. दैट इज क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन क्या है, कोई भी इवैल्यूएशन जो कि हम परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स के कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स, उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन. यस, इससे जो लर्निंग टास्क है वो लिमिटेड रह जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज, नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन का मतलब है जब हम एक की परफॉर्मेंस को बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, उसे कहते हैं नॉर्म रेफर्ड इवैल्यूएशन. तो इसमें हमें परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज, फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स. फॉर्मेटिव टेस्ट जो है वो कोर्स के एंड में दिए जाते हैं. नो, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज जो हम कोर्स के एंड में देते हैं वो सबमिटिव टेस्ट होते हैं. फॉर्मेटिव टेस्ट वो होते हैं जो हम ड्यूरिंग द कोर्स देते हैं, जो ऑनगोइंग है एंड जो कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट इज, बोथ नॉर्म रेफर्ड एंड क्राइटेरियन रेफर्ड टेस्टिंग यूजेस द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. दोनों में ही हम सेम टाइप ऑफ टेस्ट यूज करते हैं, बिकॉज हमें दोनों में ही कंपैरिजन करना होता है बच्चों की परफॉर्मेंस का, एक का खुद के स्टैंडर्ड सेट के साथ और दूसरे का बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ. नेक्स्ट इज, सबमिटिव टेस्ट आर यूज्ड रेगुलरली ड्यूरिंग द टीचिंग इंस्ट्रक्शन. सबमिटिव टेस्ट जो है वो रेगुलरली हम टीचिंग इंस्ट्रक्शन के टाइम यूज करते हैं. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अभी हमने पढ़ा जो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट, और जो हम एंड में यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सबमिटिव टेस्ट. एंड लास्ट स्टेटमेंट इज, मास्टरी टेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म रेफर टेस्टिंग. जो मास्टरी टेस्ट है क्या वो नॉर्म रेफर टेस्टिंग है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू स्टेटमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट इज, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 words. दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड, एक डायग्राम जो है वो कुछ वर्ड्स के बजाय और ज्यादा कुछ बहुत एक्स्ट्रा बोलता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इट मीन्स दैट यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास. कि हमें जो है टीचर को क्लास में टीचिंग एड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो सकें, वो इंक्रीज हो सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर यूजेस इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज. वो कम्युनिकेशन जो एक टीचर क्लासरूम में यूज करता है उसे कौन सी टाइप हम कम्युनिकेशन की कहेंगे? एज यू ऑल नो, जो एक टीचर क्लासरूम में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज करता है उसे हम कहते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल. इनमें से कौन से मेथड से स्टूडेंट्स की ट्रू इवैल्यूएशन जो है पॉसिबल है? सो आंसर फॉर दिस इज कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन. कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन है जब हम रेगुलरली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं थ्रू आउट द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इज केप्ट ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन. कौन से लेवल में टीचिंग के जो मेन फोकस है वो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन पे रहता है? एज वी ऑल नो, देर आर 3 levels ऑफ टीचिंग. फर्स्ट वन इज मेमरी, देन इज अंडरस्टैंडिंग एंड लास्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. सो मेमरी लेवल जो है वो हर्बार्ट ने दिया था. इसमें क्या है, जो टीचर है वो सब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करेगी, जो हमारी नॉलेज है वो फैक्चुअल होगी. सो द बेसिकली जो मेमरी लेवल है वो एक टीचर सेंटर्ड लेवल है, जो कि हमारे लोअर क्लासेस में यूजफुल होता है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल वॉज गिवन बाय मॉरिसन. ये क्या है, इट गोज बियॉन्ड मेमोराइजिंग द फैक्ट्स. इसमें सिर्फ हमने रोट लर्निंग नहीं करनी, उससे भी आगे जाना है. एंड लास्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल. रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसको कि हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहते हैं. इसमें जो है स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ओपन एंड सफिशिएंट फॉर ऑल. इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कुछ खुद पढ़ते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. सो इनमें जो मोटिवेशन उनको मिलती है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग. इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो की बिहेवियर है
है इफेक्टिव टीचिंग में. सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हमारा मेन बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग में. बाकी सारी ऑप्शंस की बात करें, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग एंड क्वेश्चनिंग, ये जो है वो हमारे 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग में आते हैं. दीज आर नॉट की बिहेवियर्स. वो 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स कौन से हैं, ये हम शॉर्ट स्टोरी में याद रखेंगे. फर्स्ट वन इज यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, कि स्टूडेंट के आइडियाज यूज करने चाहिए. फिर उनको एक फॉर्म देनी चाहिए जिसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरिंग. फिर हम क्वेश्चंस पूछते हैं या वो क्वेश्चंस पूछेंगे जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनिंग. एंड देन अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, हम उसको हिंट्स देते हैं, क्लूज देते हैं, जिसे कहते हैं प्रोबिंग. एंड लास्ट वन इज टीचर्स अफेक्ट. टीचर्स अफेक्ट क्या कहता है, जो स्टूडेंट्स ने हमें आउटपुट दिया उनके क्या आउटकम्स आए जो हमने पढ़ाया था, उसे हम कहेंगे टीचर्स अफेक्ट. ये हमारे 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के. और जो इसका पार्ट नहीं है वो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, और ये है की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वयं. स्वयं क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं. स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. स्वयं क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? नो, इट इज गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम. नेक्स्ट इज डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. स्वयं जो है वो एक डिजिटल प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने में. दिस इज करेक्ट. देन इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. नो, इट इज नॉट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये एक ऑनलाइन कोर्स है. एंड लास्ट इज नेम ऑफ अ वेबसाइट. नो, स्वयं जो है किसी वेबसाइट का नेम नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन. ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कार्डिनल एजुकेशन के, ये वो अचीव करने में हेल्प करता है. और वो 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज एक्सेस, सबको एजुकेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए. देन इज क्वालिटी, क्वालिटी लर्निंग होनी चाहिए. एंड लास्ट इज इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वल फॉर ऑल, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन जो है वो सब बच्चों को अवेलेबल होनी चाहिए. एंड लास्ट क्वेश्चन इज एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स द टीचिंग पर्टेन्स टू. टीचर का एटीट्यूड जो टीचिंग को अफेक्ट करता है वो कौन से डोमेन में आता है. फर्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन, देन इज कॉग्निटिव डोमेन, देन इज कॉग्निटिव डोमेन, एंड लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन. टीचिंग में जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी उसमें हमने 3 डोमेन्स की बात करी है, दैट इज कैप. कैप क्या है, फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन, देन इज अफेक्टिव डोमेन, एंड लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन. इनको हमने सीरियल ऑर्डर में याद रखना है, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कैप. कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमारे माइंड, हमारी नॉलेज, थिंकिंग स्किल्स से रिलेट करता है. देन इज अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन जो है वो हमारे पास 3 चीज़ों पे फोकस करता है, दैट इज एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन. एंड लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर डोमेन जो है वो हमारी स्किल्स पे फोकस करता है. वो कोई भी स्किल्स हो सकती हैं, मे इट बी टेक्निकल स्किल्स और मे इट बी फिजिकल स्किल्स. नेक्स्ट इज साइकोमोटर स्किल्स. साइकोमोटर स्किल्स जो है वो हमारी स्किल्स पे फोकस करता है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हैं या फिर मैनुअल स्किल्स हैं. कोई भी स्किल्स हैं वो हमारी साइकोमोटर डोमेन में आएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.